बोनेट ओपन, मिल गया। मैंने कहा था एक सबवूफर यहाँ मिलेगा, तो JBL रफ रोड मोड एक्टिवेटेड। तो ये कुछ इस तरीके की आपको कैमरा क्वालिटी मिलने वाली है, और अगर बारीक इसे देखा जाए तो ये सिल्वर टच भी दिखेगा, येलो और सिल्वर का टच। खाली अगर डोर खोल लिया तो पीछे वाली गाड़ी को इंडिकेशन मिल जाए। उसके बाद जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क, स्वागत है एक और वीडियो में। पीछे देख रहे हो दोस्तों, बड़ी भयंकर सी गाड़ी खड़ी है, टाटा हैरियर। दोस्तों टाटा ने जब से हैरियर और सफारी के फेसलिफ्ट लॉन्च किए हैं ना मार्केट में, मतलब जो महिंद्रा की गाड़ियां हैं ना कहीं उनमें जो है ना मंदी देखने को मिल रही है, क्योंकि टाटा पे हैरियर और सफारी की इतनी ज्यादा डिमांड आ रही है कि पूछे नहीं। अभी गाड़ी की जो वेटिंग है ना वो भी बहुत तगड़ी चल रही है। तो आज हमारे सामने जो वेरिएंट है ये है फियरलेस वेरिएंट, ठीक है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। देखेंगे क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा इस वेरिएंट में, क्या इसकी एक्सोरूम प्राइसिंग रहने वाली है, कहां अंदर की तरफ कितने और फीचर मिलते हैं, क्या क्या बदलाव हो गए, सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अब वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों अब सामने देखो, बड़ी भयंकर सी गाड़ी खड़ी है, कसम से बड़ा गजबी गाड़ी बना दी टाटा ने। और अगर वेरिएंट की बात करें तो फियरलेस वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। आज देखने वाले हैं इस वेरिएंट में कहां क्या कुछ मिलेगा। तो देखो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके एक्सोरूम प्राइसिंग से, 22,99,000 रुपए की ये आपको एक्सोरूम देखने के लिए मिलेगी। अगर इंट्रोड्यूसरी प्राइस की बात करें कि गाड़ी हैरियर की अगर शुरुआत कहां से होती है, तो आपको 15,49,000 से इसकी शुरुआत देखने के लिए मिलती है, लेकिन सबसे बेस वेरिएंट वगैरह में मिलती है जो स्मार्ट वेरिएंट आता है, ठीक है। लेकिन अब बात करेंगे इस वेरिएंट की, फियरलेस वेरिएंट की, ठीक है, कहां क्या कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले देखो चाबी देख लो, तो देखो चाबी कुछ ऐसी, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल रहा है गाड़ी में, तो देखो चाबी ऐसी मिलेगी, कोई बदलाव नहीं होता चाबी में, ठीक है, टाटा की तरफ से। उसके बाद देखो सामने की तरफ, इस वेरिएंट में जो है ना वेलकम लाइट और गुड बाय लाइट का भी फीचर मिलता है। अब होता क्या है वेलकम लाइट और गुड बाय लाइट, अब देखना सामने की तरफ, जैसे कि गाड़ी अब लॉक है, ठीक है, लॉक है तो यहाँ पर कोई भी टर्न इंडिकेटर वगैरह नहीं ब्लिंक कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी को अनलॉक करूंगा ना तो यहाँ पर देखो DRL भी कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, ये हो गई वेलकम लाइट और गुड बाय, तो इसे लॉक करूंगा तो अब देखिए ये हो गया। सेम ऐसा ही आपको जो है टेल लाइट में देखने के लिए मिलेगा, तो एक बार वहां भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं जब यहां पर किया है तो जैसे ही हम पीछे की तरफ आते हैं तो अब देखिए ये गाड़ी लॉक है, लेकिन जैसे ही मैं इसे अनलॉक करूंगा तो ये देखिए, थोड़ी सी धूप ज्यादा होने की वजह से पता कम चल रहा है, लेकिन अब जैसे ही लॉक करूंगा तो दोबारा से ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब सिक्वेंशियल इंडिकेटर तो दिख ही रहे होंगे, ठीक है, उसके बाद ये LED DRL भी दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये ठीक है, ये भी मैंने ऑन कर रखे हैं आपको दिखाने की वजह से। दूसरी चीज, जब आप इंडिकेटर को बंद कर देंगे तो ये DRL पूरे कनेक्ट कर देंगे आपस में दोनों इंडिकेटर्स को, ठीक है। ये हो गया सामने का फ्रंट। अब देखो प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिलती है और प्रोजेक्टर बेस्ड ही आपको फॉग लाइट मिलती है। ग्रिल देखो व्हाइट कलर में क्या शानदार लग रही है दोस्तों, इसके ऊपर ये क्रोम का टच दिख जाएगा, ग्लॉस ब्लैक के साथ में क्रोम का टच है पूरा ये। उसके बाद देखो टाटा का लोगो और उसके नीचे 360 कैमरा का ऑप्शन है गाड़ी के अंदर, तो यहाँ कैमरा भी दिख जाएगा। ये देखिए नीचे वाली ग्रिल, इसमें भी आपको वही डिजाइनिंग देखने के लिए मिलेगी जो ऊपर की तरफ मिल रही है रेडिएटर ग्रिल में। उसके बाद देखो यहाँ पर टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पर आपको एडास का फीचर मिलता है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको एडास का फीचर नहीं मिलेगा। आगे पार्किंग सेंसर की बात करें तो देखो एक और एक दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। अब नीचे की तरफ स्किड प्लेट की बात करें तो ये पियानो ब्लैक फिनिश में आपको मिलेगी पूरी स्किड प्लेट यहां से लेके वहां तक, ठीक है। ये हो गया इसका फ्रंट प्रोफाइल। अब देखेंगे साइड प्रोफाइल में क्या मिलेगा। तो देखो सबसे पहले व्हील आर्चेस देख लो, इस तरह की व्हील आर्चेस मिलने वाले हैं, ज्यादा चौड़े नहीं है, पतले पतले ही मिलेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो टायर साइज है वो 18 इंच का मिलने वाला है, और टायर प्रोफाइल की बात करूं 235/60 की प्रोफाइल के साथ में मिलता है। एरो इंसर्ट एलॉय व्हील बोला है इसे टाटा ने, पूरा ब्लैक ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलेगा। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। अब रियर में चल के देख लेते हैं, तो देखो भैया रियर में भी आपको जो है ना डिस्क ब्रेक ही देखने के लिए मिलेगा, दिख गया होगा। उसके बाद देखो साइड ग्लाइडिंग, ये देखो डोर के नीचे पूरी ग्लाइडिंग मिल रही है। उसके बाद नई चीज देखो, यहाँ पर फ्रंट डोर के ऊपर हैरियर का मैस्कॉट मिल जाता है, मतलब हैरियर लिखा हुआ मिल जाता है कुछ इस तरीके से उभरे हुए वर्डों में। उसके बाद देखो यहाँ पर ये है ORVM वही मिलेगा जो बड़ा सा आ रहा है, और यही ORVM आपको नेक्सॉन में भी देखने के लिए मिल रहा है और सफारी में भी देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल तो है, यहाँ पर देखो कैमरा भी लगा है, 360 कैमरा का ऑप्शन मिल रहा है। एक चीज इसके अंदर देखिए इलेक्ट्रिकली, ये देखिए अनलॉक किया ये ओपन हो गया, लेकिन एक चीज दोस्तों इसमें देखने के लिए मिल रही है कि ORVM के ऊपर जो है ना आपको
जो है सीक्वेंसल नहीं देखने के लिए मिलेगा, वो नॉर्मल देखने के लिए मिलेगा। साइड प्रोफाइल की बात करें तो देखो डुअल टोन कलर मिल जाता है आपको यहाँ पे, जो इसका ऊपर का पार्ट है पूरा, ए पिलर बी पिलर या सी पिलर बात करें तो ये सब कुछ ब्लैक में मिलेगा। इसकी रूफ भी ब्लैक में मिलेगी, साथ में अगर रूफ रेल की बात करें तो ये जो है ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी और ब्लैक कलर में ही मिलेगी। ऊपर शार्क फिन एंटीना ये पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो टाटा का लोगो मिल जाएगा, 25 साल में 50 लाख कार बेचने वाला। डोर रुक के सेंसिंग का ऑप्शन आपको डोर पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो 50 लीटर की कैपेसिटी का आपको फ्यूल टैंक मिलता है। एक बंदे का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि जैसे ये पुश टू ओपन है, ठीक है, तो इसे तो कोई भी खोल सकता है, कभी भी खोल सकता है। तो दोस्तों एक चीज बता दूं, जब गाड़ी लॉक होगी तब ये नहीं खुलेगा, ठीक है। आप देखो ORBM जो है बंद है, और जैसे ही मैं इसे गाड़ी को अनलॉक करूंगा, ये देखो ORBM खुल गया। अब देखो अब ये पुश टू ओपन ओपन हो जाएगा, ये देखो। तो ये फीचर जो है आपको इसमें अब देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद देखो पीछे की तरफ आ जाओ, टेल लाइट क्या खूबसूरत है दोस्तों। धूप ज्यादा है इसलिए पूरी आपको जो इसकी शाइन है या लाइटिंग है वो तो नहीं देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये सब कुछ आपको DRL LED वेस्ट यहाँ से कनेक्टेड होती हुई यहाँ तक मिलेगी। सीक्वेंसल इंडिकेटर पीछे भी मिल जाता है, यहाँ पर ये पूरा पियानो का टच मिलता है, ठीक है। ये टाटा का लोगो, उसके नीचे ये रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर देखो डिफॉगर भी मिल जाएगा रियर ग्लास के अंदर, ये रियर वाइपर भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वॉशर और हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है देखने के लिए, ठीक है। टाटा का वोकल फॉर लोकल का साइन मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो हैरियर की ब्रांडिंग मिलेगी। नीचे देखो दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और ये जो स्किड प्लेट है ये देखो कितनी बड़ी सी है, ठीक है। ये देखो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिल रही है। और स्पेयर व्हील की बात करूं तो देखो स्पेयर व्हील नीचे की तरफ लटक रहा होगा, देख रहे हो, 16 इंच का साइज मिलता है दोस्तों स्पेयर व्हील का, ठीक है। अब देखो टेल लाइट आपको यहाँ पर, ब्रेक लाइट और व्हाइट लाइट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो है नेक्सॉन वाला ही फीचर रखा गया है यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से। अब देखो दूर से देखो गाड़ी कितनी शानदार लग रही है दोस्तों। इसकी एक चीज और बताऊं, डायमेंशंस वीडियो में नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो डायमेंशंस आप वहां पर देख लेना, ठीक है। तो डायमेंशंस आपको वहां पर दिख जाएंगे। तो ये है इसका कुछ बाहर का पोर्शन। अब गाड़ी के अंदर चलेंगे और अंदर बैठ के बात करेंगे कि और क्या क्या फीचर है और क्या क्या बदलाव हुए हैं। ये तो हो गया दोस्तों बाहर का इसका, ठीक है। अब अंदर चलते हैं, तो आते हैं अंदर की तरफ। तो सबसे पहले देखो यहां से आप इसे डोर रुक के सेंसिंग से ओपन कर सकते हो। ये देखो ये हो गया ओपन, इसे मैंने ये ओपन किया। दोस्तों जरा दरवाजे का साइज देख रहे हो, जो सफारी में था 12 इंच का साइज है दोस्तों, और चौड़ाई देखो, मतलब सेफ्टी, टाटा की सेफ्टी है ये। उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है, पीछे वाली जैसे रात हो रही है तो पीछे वाली अगर डोर खोल लिया तो पीछे वाली गाड़ी को इंडिकेशन मिल जाए। उसके बाद देखो ये लेदर फिनिश मिलेगी, ब्लैक लेदर दिया है। उसके बाद देखो डार्क क्रोम में डोर हैंडल मिल जाएगा, चारों पावर विंडो वन टच डाउन मिल जाती है। उसके बाद देखो ये पीछे वाली विंडो को लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाएगा। बॉटल होल्डर मिल जाता है, अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है, एक स्पीकर आपको यहाँ मिल जाता है। और ये है कुछ नया, ये दोस्तों एक अलग टच देने के लिए। देखो यहाँ पर इस कलर को क्या कहते हैं, मुझे तो ये थोड़ा येलो कलर लग रहा है ग्रीन इसके साथ में, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है, लेकिन खूब फबरा है इसके ऊपर, खूब जच रहा है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORBM के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये हो गया कुछ इस तरीके का इसका डोर का प्रोफाइल। अब अंदर की तरफ देख लो, ये देखो, ठीक है, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग जो है वो देखो लेदरेट मिलेगी, साथ में वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन है आगे फ्रंट में। उसके बाद देखो ये स्टिचिंग जो है ये उसी येलो कलर से मिलेगी, बहुत शानदार लग रही है। उसके बाद देखो ये है, ये देखो सिक्स वे आपको एडजस्टेबल मिलता है सीटिंग में, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं, साथ में मेमोरी फीचर मिल जाता है 3 लोगों के लिए, मतलब 3 लोग जो है अपनी, ये देखो, अपनी जो चलाने का पोस्चर है उसके अकॉर्डिंग जो है ना इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन यहाँ पर मिल गया, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं डेड पेडल तो नहीं दिया गया है, लेकिन गाड़ी मैनुअल है तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप इसका जो है बोनट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा, और यहाँ पर ये जो डिजाइनिंग है ना ये येलो कलर के साथ में, अंदर अगर बारीक इसे देखा जाए तो ये सिल्वर टच भी दिखेगा, येलो और सिल्वर का टच, AC वेंट का डिजाइन ऐसा मिलेगा, ये लेदर में फिनिश मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये पियानो मिल जाएगी, मतलब 3 तरह का आपको, 4 तरह का टच मिल गया। एक टच आपको यहाँ मिल गया, ये भी लेदर है ब्लैक, उसके बाद ये येलो का टच मिल गया, ये पियानो ब्लैक फिनिश का मिल गया, और ये लेदर का टच मिल गया। अब अंदर बैठ के देखते हैं और क्या क्या मिलेगा, ठीक है। ये सब तो हो ही गया, अंदर की तरफ आ जाते हैं अब। तो देखो यहाँ पर आ गए अंदर की तरफ, ठीक है, और इसका कर देता हूं मैं इसे ओपन, ठीक है। अब ये देखो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप इसका,
सबसे पहले देखो यहाँ पर कस्टमाइजेबल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है दोस्तों इस गाड़ी में आपको, ठीक है। तो अब इसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग पे इलेमिनेटेड लोगो मिल जाता है, साथ ही सारे यहाँ पर कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल जाएगा, ऑडियो कंट्रोल मिल जाता है, टेलीफोनिक कंट्रोल मिल जाते हैं, ये सब तो मिल ही जाता है। स्टीयरिंग में बात करें तो देखो टिल्ट का ऑप्शन भी मिलता है और टेलीस्कोपिक का भी ऑप्शन मिलता है। अब ये देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा मिलेगा। तो देखो दोस्तों इसमें जो है ना आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, साथ में कस्टमाइजेबल का ऑप्शन भी मिलेगा। तो देखो जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ इग्निशन को, तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। तो यहीं पर देखो आपको ये टैकोमीटर भी मिल जाएगा, स्पीडोमीटर भी मिल जाएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल जाएगा, और यहाँ पर बाकी सारे मोड वगैरह चेंज करने के ओडोमीटर ये सब मिल जाएगा। यहाँ फ्यूल गेज देखने के लिए मिलेगा, ऊपर की तरफ टेम्परेचर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। तो सारे ऑप्शन आपको यहीं पर मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो स्टेयरिंग में इलेमिनेटेड लोगो तो मिल जाता है, साथ में फोर स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलेगा इस वेरियंट में, साथ में लेदरेट भी मिलेगा, ठीक है। ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखो दोस्तों बड़ी सी चीज यहाँ पर मिलेगा आपको, 12.5 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सबको सपोर्ट करेगा। और दूसरी चीज 360 कैमरा का ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ, कैमरा क्वालिटी कैसी मिलेगी। तो ये कुछ इस तरीके की मिलेगी, 3D व्यू पे जाके देख लो, तो ये कुछ इस तरीके की आपको कैमरा क्वालिटी मिलने वाली है, बहुत ही अच्छी और शानदार लग रही है यहाँ पर। और जो व्यू वगैरह देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद देखो 2D व्यू वगैरह देखने हैं तो वो यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो AC वेंट का डिजाइन कुछ ऐसा मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो ये है इसका सेंट्रल कंसोल, टच पैनल के साथ में मिलता है, सब कुछ टच सेंसिटिव है। यहाँ पर आपको जो है 2-zone क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा इस वेरियंट में भी, ठीक है। तो फैन स्पीड वगैरह तो आपको यहाँ से कंट्रोल करनी है, और यहाँ से आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है, इस वेंट का यहाँ से कर लेना, इस वेंट का यहाँ से कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो एम्बियंट लाइटिंग आपको दिख रही होगी ये नीचे की तरफ, ठीक है, और ये भी कस्टमाइजेबल मिलने वाली है। उसके बाद देखो नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर देखो एक 45 वॉट का टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों नीचे वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, चार्जिंग अब देख लेते हैं करता है या नहीं। तो हम अपना फोन जो है यहाँ पर प्लेस करते हैं और अब देखते हैं, ये देखो कंफर्म हो गया वायरलेस चार्जिंग है। उसके बाद देखो, और इसके बाद आपको यहाँ पर जो है ना ड्राइव मोड चेंज करने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि ऑल वेदर रोड ड्राइव, ऑफ रोडिंग, या फिर वेट मोड जो भी है। अब जैसे ही मैं इसे चेंज करूंगा तो आपको साथ में वॉइस नोटिफिकेशन भी सुनने के लिए मिलेगा, ये देखिए वेट मोड इज एक्टिवेटेड, सुना। ऐसे ही दोबारा से एक बार और देख लो, रफ रोड मोड एक्टिवेटेड। उसके बाद देखो यहाँ पर इको मोड मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्पोर्ट मिल जाएगा, और यहाँ पर हिल होल्ड असिस्ट का बटन मिल जाता है। उसके बाद देखो 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंट्रल कंसोल, ठीक है, सेंट्रल कंसोल काफी खूबसूरत लग रहा है। पियानो के टच के साथ साथ में आपको ये जो है ना पैरेट ग्रीन कट जो है टच भी देखने के लिए मिलेगा। मुझे बहुत देर से ये येलो लग रहा था, लेकिन अब ये मैंने कंफर्म किया है तो ये है पैरेट ग्रीन कलर, ठीक है। आगे मैंने जो डोर पे बताया उसमें भी थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, पैरेट ग्रीन कलर है, मैंने येलो और ग्रीन का शेड बोल दिया था, हालांकि है तो येलो और ग्रीन का ही शेड, लेकिन पैरेट ग्रीन है इसका जो प्रॉपर नाम है। उसके बाद देखो सेंट्रल कंसोल को मैं दिखा रहा था ना यहाँ पर, ये सब कुछ टच सेंसिटिव है। यहाँ पर देखो 360 कैमरा का ऑप्शन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, बूट ओपन करने के लिए हेजार्ड का बटन मिल जाएगा, यहाँ पर फॉग लाइट वगैरह के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर डिफॉगर के ऑप्शंस मिल जाते हैं, और यहाँ पर AC के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सारा कुछ यहाँ टच सेंसिटिव मिलेगा, बस आपको टेम्परेचर जो है वो फिजिकली कंट्रोल करना है। इवन फैन स्पीड भी आपको टच सेंसिटिव ही आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद ये तो सब तो दिखाई दिया, यहाँ पर आ जाते हैं तो देखो दो कप होल्डर आपको कुछ इस जगह पर मिल जाते हैं, काफी गहरे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर आर्मरेस्ट ये मिल जाता है, अगर मैं इसे ओपन करके देखता तो इसके अंदर क्या मिलेगा, सारा सफारी वाला ही सिस्टम दे रखा है दोस्तों। 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाएगा, एक टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा, और एक टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, और कूल्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा इसमें अंदर की तरफ। तो ये है कुछ इस तरीके का। अब देखते हैं ग्लोव बॉक्स, तो ग्लोव बॉक्स के अंदर देखें तो देखो कंपार्टमेंट तो बनाई हुआ है, साथ में लाइट भी लगी हुई है, तो ठीक ठाक मिल जाता है, काफी अच्छा है। उसके बाद देखो एयरबैग की बात करें तो 6 एयरबैग अब स्टैंडर्ड है, मतलब जितने भी वेरिएंट हैं बेस से लेकर टॉप तक सब में आपको 6 एयरबैग मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखो म्यूजिक सिस्टम की बात कर रहे थे तो स्पीकर देख लो, JBL की ब्रांडिंग मिल रही है दोस्तों यहाँ पर, और इस वेरिएंट में आपको जो है ऑलमोस्ट 8 स्पीकर मिलते हैं, 4 ट्विटर मिलेंगे JBL के और 4 ही स्पीकर मिलेंगे,
ठीक है, और एक सबवूफर भी मिलेगा शायद। तो 9 का सेटअप है आपका पूरा, सबवूफर आई थिंक बूट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वो अभी जब बूट की तरफ जाएंगे तब दिखा देंगे। तो ये हो गया फ्रंट यहाँ पर डैशबोर्ड। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें, तो देखो ऊपर की तरफ क्या है, इस ये जो वेरिएंट है वो डुअल टोन वेरिएंट है, तो इसकी जो रूफ वगैरह है ना, तो अंदर कुशनिंग जो है वो सब कुछ ब्लैक मिलेगी आपको। ब्लैक कलर में क्या होता है, थोड़ी सी गाड़ी कॉम्पैक्ट लगती है, लेकिन जब इसको डुअल टोन बनाया है तो अंदर का जो पूरा कंपार्टमेंट है वो सब कुछ ब्लैक कर दिया। अब यहाँ पर देखें तो ड्राइवर साइड में ये जो है सनसेट, ये भी सब कुछ ब्लैक मिलेगा। यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRBM आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर ये बाइक के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने के लिए मिल जाता है, ये आपको व्हाइट कलर की लाइट मिल जाती है, यहाँ पर दो लाइट मिल जाती हैं। यहाँ पर सनरूफ को ऑपरेट करने के लिए कंट्रोल मिल जाएगा, ये देखिए पैनारोमिक सनरूफ मिलती है बड़ी सी पीछे तक, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर पैसेंजर साइड में जो सनसेड है उसके अंदर जो वैनिटी मिरर है, अब उसमें भी दो लाइट मिल जाएंगी छोटी छोटी सी, पता नहीं काम करेंगी या नहीं, किस काम की हैं ये समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद देखो ये ग्रैब हैंडल कुछ ऐसा मिल जाएगा सॉफ्ट टच के साथ में। तो ये है कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट कैबिन। अब चलते हैं रियर सीट पे, वहां आपको क्या कुछ मिलेगा तो चल के उधर ही देख लेते हैं। तो दोस्तों अब आ गए हम पीछे रियर डोर पे, तो सबसे पहले देख लो डोर की जो चौड़ाई थी विड्थ थी, यहाँ भी आपको ऐसी देखने के लिए मिलेगी, भयंकर भयंकर चौड़ी दोस्तों, पूरे हाथ में नहीं आ पाती है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये लेदर रेट, ये सब कुछ लेदर में मिलेगा। यहाँ पे ये डार्क क्रोम में मिल जाता है ये पावर विंडो, और यहाँ पर ये पैरट ग्रीन, येलो ग्रीन की बजाय पैरट ग्रीन आप इसे कंसीडर करना। उसके बाद देखो यहाँ पर बॉटल होल्डर, एक स्पीकर यहाँ मिल जाएगा, JBL की ब्रांडिंग आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर देखें तो ये देखो सनसेड, ये चीज बहुत सही निकाली टाटा ने अब गाड़ियों के अंदर, ये जो है कर्टन जो है कुछ इस तरीके से, ये बहुत काम देने वाला है दोस्तों गर्मी के दिनों में और जब धूप से ज्यादा परेशानी हो तब। तो दोस्तों देखो अब अंदर की तरफ देखो, तो यहाँ पर ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो देख लो, साथ में एक्स्ट्रा कुशनिंग है, और ये कुशनिंग भी आपको कुछ इस तरीके से जैसे चाहे नेक रेस्ट आपके हिसाब से एडजस्ट हो सकती है अगर चाहे तो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है और कंफर्टेबल भी है। उसके बाद देखो इस मैं सीट के अंदर आपको ये बीच में आर्म रेस्ट भी मिलता है, इसे खोल के देखें और कुछ मिलेगा, हाँ दो कप होल्डर और मिलेंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। इसे बंद कर देते हैं, और यहाँ पर पूरा ब्लैक लेदर का यूज हुआ है। पीछे की सीट में वेंटिलेटेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद देखो पीछे की तरफ अगर जो बंदा बैठा है, पीछे बैठ लेते हैं फिर बात करते हैं। देखो यहाँ पर जरा नी रूम की बात करें और लेग स्पेस की बात करें तो काफी अच्छा देखने के लिए मिल रहा होगा। ये सीट भी वैसे भी काफी ज्यादा पीछे की तरफ जो है मैंने रिक्लाइन कर रखी है। उसके बाद देखो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट आपको बी पिलर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो दो ये चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे, एक टाइप ए मिल जाता है एक टाइप सी, और मोबाइल रखने के लिए ये स्पेस तो मिल ही जाता है। उसके बाद देखो ये स्पेस हो गया, और इसमें सफारी की तरह जो है आपको बॉस मोड देखने के लिए नहीं मिलेगा इसमें हैरियर में, ठीक है। तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप पीछे का। पीछे से ये देखो सनरूफ कैसी लग रही है आपको। उसके बाद देखो यहाँ पर ये एक लाइट मिल जाती है, ये भी ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, साथ में ये छोटा सा हुक भी मिलता है यहाँ पर। और पीछे से देखें डैशबोर्ड तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये देखिए ये है कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड पीछे की तरफ से, ठीक है। अब चलेंगे दोस्तों इसके बूट में कि बूट में आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिलता है। तो चलते हैं पीछे की तरफ और करवाते हैं बूट को ओपन। तो देखो एक तो चाबी से बूट ओपन होगा और एक आगे की तरफ से हो जाएगा। और अब ये और देख लेते हैं कि पीछे की तरफ इसमें बूट ओपन करने के लिए कुछ दे रखा है या नहीं। तो हाँ दोस्तों यहाँ भी आपको एक बटन मिलेगा, उसे दबा के भी आप इसे बूट को ओपन कर सकते हैं। मतलब तीन ऑप्शन दे रखे हैं, चाबी के साथ में है, डैशबोर्ड पे है, और यहाँ पर ये जो बटन है कुछ इस तरीके से, कहाँ गया यार, यहाँ पर ये देखो ये जो बटन है यहाँ से और बूट ओपन हो जाएगा। तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। अब देखो दोस्तों बड़ी सी पार्सल ट्रे तो ये दिखी रही होगी आपको, ठीक है। इसे मैं एक काम करता हूँ, इसे यहाँ पर हैंग कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि ये अच्छे से आपको दिखेगी। ये लो अब देखो यहाँ पर जो बूट की कैपेसिटी बताई है भैया 450 लीटर की बताई है, और जो पीछे वाली सीट थी वो 60-40 में स्प्लिट हो जाती है। आपको यहाँ पर ये सब कुछ दिख रहा होगा, यहाँ से जैसे ये है ना ये स्पेस, तो आप देख सकते होंगे ये सीट जो है इधर 40% हो जाएगी, ये 60% स्प्लिट हो जाएगी। और इस बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर 445 लीटर की कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है, पहले जो है 400
30 लीटर के आसपास मिलता था, लेकिन यहाँ पर 445 लीटर कैपेसिटी मिल रही है। और अगर पीछे वाली सीट्स को हम फोल्ड कर देते हैं तो उसके बाद में जो है 815 लीटर की कैपेसिटी आपको बूट स्पेस में देखने के लिए मिलेगी। अब देखो, मैंने कहा था एक सबवूफर यहाँ मिलेगा, तो JBL का एक सबवूफर है यहाँ पर मिल गया। उसके बाद देखो 2 किलो पेलोड का एक हुक मिल जाएगा, इसे ऐसे ओपन करना है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ये एक हुक मिल जाता है और ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बूट लाइट की बात करें तो देखो ये रही बूट लाइट, छुपी हुई लग रही है, दिखाई नहीं दे रही, बाकी बहुत ही ज्यादा हैवी क्वालिटी। और टाटा की बात है तो दोस्तों क्वालिटी की बात नहीं करेंगे। उसके बाद देखो इसके नीचे, अरे स्पेयर व्हील कहाँ है, तो वो दोस्तों नीचे था, मैंने आपको दिखा दिया, स्पेयर व्हील नीचे की तरफ है। अब स्पेयर व्हील कहाँ से निकलेगा, तो देखो यहाँ से इसे दोस्तों की से निकालना पड़ेगा, यहाँ से इसे निकालेंगे, एक बोल्ट है खुलेगा और वो नीचे की तरफ स्पेयर व्हील लटक के आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ये देखो, इसे दोस्तों बहुत अच्छे से, मतलब इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है, ये पहले की तरह नहीं छोड़ा है, इसमें कुछ चेंजेस किया है, ठीक है, चेंजेस किए हैं और इसकी क्वालिटी में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दिया है, काफी अच्छा लग रहा है। ये स्लीक फिनिश में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये है कुछ इस तरीके का। अब इसे मैं कर देता हूँ बंद, तो ये हो गया दोस्तों बंद। अब आता हूँ इसके इंजन बे की तरफ, के इंजन बे के अंदर आपको क्या क्या मैटर देखने के लिए मिलता है। तो देखो इंजन बे ओपन करूंगा तो यहाँ पे शायद आपको वॉइस नोटिफिकेशन भी मिलेगा, सफारी में तो मिलता था, इसमें देखते हैं। मिल गया भैया, बोनट ओपन, प्लीज चेक, करो चेक बोनट के नीचे क्या है। देखो थोड़ा सा कैमरे को मैं साइड से करता हूँ क्योंकि ये बोनट बहुत भारी है, टाटा के बोनट है। अरे बाप रे, हाँ तो भैया बोनट खुल गया है। अब देख लो बोनट के नीचे, यहाँ पे देखो पहले इंसुलेशन सीट वगैरह देख लो, वजन बहुत है, एक हाथ से नहीं उठने वाला है। अब अगर इंजन की बात करें तो इसमें 2 लीटर का BS6 फेज 2 क्रायोटेक टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, 170 BHP की पावर जनरेट करता है और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ठीक है। कंपनी जो इसका माइलेज क्लेम कर रही है ARI माइलेज, वो मैनुअल ट्रांसमिशन का तो 16.80 किलोमीटर पर लीटर का करती है, और अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात की जाए तो 14.60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज यहाँ पर क्लेम करती है। तो ये था कुछ इस तरीके से इसका इंजन वगैरह। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको वॉशर फुल करना है, ये आपको कूलेंट वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बैटरी वगैरह, यहाँ पर आपको देखो क्रायोटेक 170 की, मतलब 170 BHP है, तो यहाँ की आपको ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिल जाएगी। पूरा भरा भरा सा इंजन लग रहा है, इंसुलेशन सीट वगैरह आपने देख ली। इसे कर देता हूँ मैं बंद, आ जाता हूँ पीछे की तरफ। तो दोस्तों ये थी टाटा हैरियर के फियरलेस वेरियंट की वीडियो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। आगे आने वाली वीडियोज में और भी वेरियंट की वीडियो आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।